प्रिय दर्शकों, आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हरतालिका शब्द का क्या अर्थ है, क्यों इसे हरतालिका कहते हैं, आइए इसे जानते हैं। तत्पश्चात कहानी सुनेंगे। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हर और तालिका। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। और यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, क्योंकि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल ले गई थी। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के तृतीया को महादेव जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। एक समय की बात है, भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, हे गौरी, मैं तुमको उस घटना के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे इस जन्म के बाल्यकाल की है तथा तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या से संबंधित है। इस प्रकार माता पार्वती द्वारा शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की गई उनकी घनघोर तपस्या का स्मरण कराते हुए महादेव जी ने हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। आइए कथा शुरू करते हैं। शिव जी ने कहा, हे गौरी, जब तुम अपने बाल्य अवस्था में थी तब हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में अन्न जल का सेवन न करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया तथा वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हारी इस प्रकार की कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर उनके हृदय में बहुत ही क्लेश होता था। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और वहाँ पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर अपनी पत्नी मैना सहित मुनि के चरणों में सर नवाया। फिर पर्वतराज ने तुम्हें बुलाकर नारद जी से कहा, मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं, कृपा कर मेरी पुत्री के दोष और गुण कहिए। तब नारद जी ने तुम्हारे गुणों का बखान करते हुए कहा, पर्वतराज, आपकी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा और भवानी इनके नाम हैं। यह सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इस कन्या के माता पिता को यश की प्राप्ति होगी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे गुणों का बखान करते हुए नारद मुनि आगे कहते हैं, पर्वतराज, आपकी कन्या सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी पूजा और सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में सभी स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है। ऐसा कहते हुए महर्षि नारद जी पर्वतराज से बोले, हे पर्वतराज, अब तुम्हारी कन्या में जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। इसकी हस्तरेखा के अनुसार इसे गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी पति प्राप्त होगा। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय और मैना जी को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। मैना जी और हिमवान की इस दशा को देखकर नारद जी ने कहा, आप लोग दुखी ना होइए, क्योंकि मैंने पार्वती के पति के जो लक्षण बतलाए हैं वो शंकर जी से मिलते हैं और शिव जी तो
सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए उनसे विवाह होने पर सभी प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न एवं संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनी को भी मिटा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, हे गौरी, नारद जी के ऐसे कथन सुनकर तुम मुझे प्राप्त करने के लिए तप करना चाह रही थी, परंतु तुम्हारे माता पिता तुम्हें तप करने के लिए जाने नहीं देना चाहते थे। इससे तुमको बहुत दुख हुआ और तुम्हें दुखी मन से बैठे देख तुम्हारी सखी ने तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तुमने उससे कहा, हे सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण कर लिया है, किंतु मेरे माता पिता मुझे तप के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। अब क्या करूं? प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी पीड़ा भरी वृतांत सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। शंकर जी बोले, तुमने अपनी सखी की बात मानकर वैसा ही किया। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि न जाने तुम कहाँ चली गई। उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति करके जागरण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठोर तप साधना की है। यदि सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु एवं दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। और तुम्हारी इस दशा को देखकर गिरिराज अत्याधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य मात्र यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। हे पार्वती, तुम्हारी विनम्रतापूर्ण बात सुनकर गिरिराज तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इस दिवस का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ तथा
सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए। तो भक्तजनों, इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की यह कथा संपूर्ण हुई। आइए अब हम आपको माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ सरल मंत्र बताते हैं। माँ पार्वती को प्रसन्न करने के मंत्र हैं ओम उमाय नमः, दूसरा मंत्र है ओम पार्वत्य नमः, तीसरा मंत्र है ओम शांति रूपिण्य नमः। भगवान शिव को प्रसन्न करने के मंत्र हैं ओम शिवाय नमः, दूसरा मंत्र है ओम हराय नमः, तीसरा मंत्र है ओम शंभवे नमः। तो भक्तजनों, प्रेम पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कहिए, उमापति महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें ओम नमः शिवाय और मन सरोवर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।